सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के दूसरे अध्याय, जिसे साधन पाद भी कहते हैं, के 41वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह सूत्र कहता है, सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रे इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। अर्थात चित्त की शुद्धि हो जाने पर, यानी चित्त सत्व जब हो जाता है, उससे फिर मन की स्वच्छता, एकाग्रता, इंद्रिय जय और आत्मदर्शन की योग्यता, ये होती है शौच की, यानी आभ्यंतर शौच की जब सिद्धि होती है तब। तो यह आभ्यंतर शौच यानी अंदर का शौच, जो कहा जाता है ना कि मन को साफ करो, तो यह आभ्यंतर शौच वही है। इसमें क्या होता है कि रज और तम, ये जो गुण हैं, ये दब जाते हैं और सतोगुण का उदय हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। उसमें व्यक्ति के मन में क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष, मिथ्या अहंकार, लोभ, मोह, भय और काम वासना, इनसे व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, इनके गिरफ्त में नहीं रहता है। तो इसी को कहते हैं कि यह मन की स्वच्छता है, मन की सफाई का इतना ही मतलब है। मन में दूसरे के प्रति घृणा है, मन में शोषण है, अत्याचार है कि इसका छीन लेना, उसका लूट लेना है, या मन आशंकित रहता है, भ्रमित रहता है, आतंकित रहता है, लोग सपने में भी बहुत डर जाते हैं, उसे चिड़चिड़ेपन की शिकायत रहती है और हमारा मन तमाम तरह के विषयों में भटकता रहता है। तो ये सब जब समाप्त हो जाते हैं तो क्या होती है कि मन जो है उसकी निर्मलता हमें यह शक्ति प्रदान करती है कि हम एकाग्र हो जाए, तब मन का भटकाव घट जाता है और हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है, यानी एक पर टिक सकता है, जिस भी विषय पर हम चाहें उस पर टिका सकते हैं और देर तक टिका सकते हैं। एक तो वह विषय पर टिक जाना, तो थोड़ी देर के लिए टिकना, और एक हुआ विषय पर ज़्यादा देर तक टिकना। कितनी देर को ज़्यादा देर माना जाएगा, तो कम से कम जब हम एक घंटा टिक सकते हैं किसी एक विषय पर, तो मानना चाहिए कि एकाग्रचित अवस्था है। एक घंटे तक की क्षमता कम से कम होनी चाहिए, यानी जिस विषय को हम लें उस विषय में हम दृढ़ हो जाएं, उस विषय से हमारा दिमाग ना भटके, उसमें इतना एब्जॉर्ब हो जाएं कि उस विषय के अलावा हमें और कुछ भी ना सूझे। तो वो चाहे हम कोई भी एक विषय ले सकते हैं। तो वैसा जब हो जाता है तो कहेंगे कि मन की एकाग्रता हो गई। जैसे हम श्वास पर अगर टिका दें अपने को, तो हम एक घंटे तक श्वास प्रश्वास को लगातार महसूस कर सकते हैं, गिन सकते हैं इसे बिना भटके। या दिल की धड़कन पर लगा दें तो
तो हम एक घंटे तक दिल की धड़कन को गिन सकते हैं, इतना फोकस्ड हम हो जाए, तब उसको कहेंगे कि मन की एकाग्रता हो गई। तो न्यूनतम एक घंटे की तो योग्यता होनी ही चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो मन की एकाग्रता हो जाती है, और इससे क्या हो जाएगा कि इंद्रिय जय हो जाता है, यानी इंद्रियों के ऊपर जीत हासिल हो जाती है। इंद्रियां जैसे कि जननेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां, ये जो इंद्रियां हैं, जैसे हम सुन रहे हैं तो हम एक घंटा फोकस होकर के सुन सकें, देख रहे हैं एक घंटा फोकस होकर देख सकें, सूंघ रहे हैं एक घंटा फोकस होकर सूंघ सकें, या स्वाद दे रहे हैं तो एक घंटा स्वाद लेकर के रह सके, या स्पर्श किसी का है तो हम उस स्पर्श को महसूस कर सके एक घंटे तक। उसी तरह से जब हम कर्म करते हैं हाथ से, पैर से, उपस्थ से, तो एक घंटे तक हम जो कुछ भी करते हैं हमें पूरा महसूस होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यह हो गया कि हमें अपने इंद्रियों पर जीत हासिल हो गई, तो हम इंद्रजीत हो गए। इसी को इंद्रजीत होना कहा जाता है। और जब इंद्रियों पर व्यक्ति जीत हासिल कर लेता है तब फिर उसकी गति अंदर की ओर हो सकती है, क्योंकि हमारे इंद्रियां जो हैं वो बाहर की ओर गति करती हैं, हमारे इंद्रियां बाह्य दृष्टि रखती हैं बाहर की ओर। कहा जाता है कि हमारे जो छेद हैं वो बाहर की ओर है, बाहर से ग्रहण करने के लिए अंदर की ओर। तो बाहर से जो ग्रहण करते हैं तो इसके लिए भी हमको बाहर जाना पड़ता है। तो बाहर की चीज हमारी, जैसे हम किसी को देखते हैं तो हमें बाहर की ओर दृष्टि डालनी पड़ती है, तब वह दृश्य जो है हमारे भीतर कैद होता है। तो जब हम इन इंद्रियों के ऊपर जीत हासिल कर लेते हैं तो हमारी जो इंद्रियों में जो श्रेष्ठ अवस्था होती है वह है मन की अवस्था, यानी मन को श्रेष्ठ इंद्रिय कहा जाता है, जो इन इंद्रियों का राजा होता है। तो जब हम इन इंद्रियों पर अपना नियंत्रण पा लेते हैं तो फिर मन पर नियंत्रण पाना होता है, और फिर मन को अपने भीतर ले जाना होता है। तो मन को अपने भीतर ले गए, यानी बाहर की ओर नहीं ला रहे, अपने भीतर जो गतिविधियां हो रही हैं उसको नोट कर रहे हैं, जैसे दर्द के ऊपर, श्वास प्रश्वास के ऊपर, दिल की धड़कनों के ऊपर, या भीतर मांसपेशियां जो हिलती हैं उनके ऊपर, या जो विचार चलता है उसके ऊपर, या जब भाव जो उत्पन्न होते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पर मन जा सकता है, मन को महसूस होता है। तो वहाँ पर जब मन जाता है तो फिर मन उसके साथ जुड़ जाता है, संबंध बना लेता है, और वहाँ की शक्तियों को अपने भीतर समावेश कर पाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम अपने मन के भीतर अंतःकरण में प्रवेश करते हैं, उसके भीतर प्रज्ञा में प्रवेश करते हैं, फिर वहाँ के भीतर, ये अंतर्मुखी मन है, तो जब ये भीतर प्रवेश करते हैं तो अंत में क्या होता है कि हमें विवेक ख्याति लाभ होता है, हमारा चित्त आलोकित हो जाता है। वह चित्त जो है सूक्ष्माति सूक्ष्म होता है, तो वह चित्त की सूक्ष्माति सूक्ष्म अवस्था जो होती है वह आत्मदर्शन कहलाती है। यानी चित्त की सूक्ष्माति सूक्ष्म अवस्था जो है वही आत्मा है, जो कि अविभाज्य तत्व होता है। तो आत्मा के वैसे स्थूल तत्व भी होते हैं, तो जो स्थूल तत्व होते हैं उसे वो दिव्य आत्मा नहीं कहते हैं, उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। लेकिन यहां मैं जब विवेक ख्याति की बात करता हूं तो दिव्य आत्मा की बात करता हूं। तो जब हम दिव्य आत्मा में पहुंचते हैं जहां की अविभाज्य तत्व होता है, यानी आप समझ लीजिए कि किसी चीज को विभाजन करने के लिए हमें रेखा चाहिए होती है, और सबसे सूक्ष्मते सूक्ष्म अवस्था जो होती है वह बिंदु की होती है, वह काल्पनिक बिंदु जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसको जीरो डायमेंशन कहते हैं।
आकार प्रकार नहीं, लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, ऊंचाई निचाई नहीं होती है, वहां समय भी नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है, जीरो डायमेंशन। तो किसी भी रेखा, किसी भी चीज को विभाजित करना तो एक रेखा चाहिए, और जब हम छोटे से छोटा करते जाते हैं तो क्या होता है, रेखा भी छोटी होती जाती है और छोटे होते होते अंत में बिंदु हो जाती है। हर रेखा बिंदु से बनी होती है, बिंदु को भी अगर हम लोग सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से देखेंगे तो वो कुछ बड़ा दिखेगा, यानी लंबाई चौड़ाई दिखेगी, उसका जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है वह जाएंगे तो वहाँ आपके जो बिंदु है वह तो और सूक्ष्म हो गया और जो लंबाई थी वह भी बिंदु में मर्ज कर दे। तो रेखा और बिंदु दोनों छोटे होते होते अंत में अविभाज्य स्थिति में पहुंच गए, अदृश्य स्थिति में पहुंच गए, अकल्पनीय स्थिति में पहुंच गए, तो वह जो है आत्म स्थिति है। उस आत्म स्थिति को महसूस कर लेना आत्मदर्शन है, उसको अनुभूत कर लेना आत्मदर्शन है। तो वही यहां पर महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि आत्मदर्शन की योग्यता हो जाती है तो हम बाह्य से अंतर, ये दोनों जो हम शौच क्रिया जो है, जो बाह्य शौच और अंतर शौच है, तो आभ्यंतर शौच है, तो ये आभ्यंतर शौच से अंतर शौच से हम में यह योग्यता आ जाती है कि हमारा मन निर्बल हो जाए, एकाग्रता हमारी हो जाए, इंद्रियों की जीत हासिल हो जाए, हमारा चित्त जो है सत्व आलोकित हो जाता है, तो हम उस चित्त की जो सूक्ष्माति सूक्ष्म अभिव्यक्ति होती है जिसको आत्मा कहते हैं उसका हमें दर्शन होता है, इसकी हमें योग्यता होती है। यही यह सूत्र कहना चाह रहा था। ओम।